तो भाई ये देखो आप लोग लेफ्ट में पिलर नंबर लिखते हुए हैं, कितने पिलर लिखते हैं, ये है 170। ऐसे करके एंड वाला पिलर नंबर आपको दिखाते हैं। व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम लोग रुके हुए हैं तिनसुकिया में। एंड तिनसुकिया से हम लोग बेसिकली जा रहे हैं यहाँ पे, हम लोग वलोंग की तरफ जा रहे हैं। एंड दिस वाज अवर स्टे टुडे। एंड कल हम लोग रात में पहुँचे, बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, मतलब व्लॉग में सही से एंड भी नहीं कर पाया, आप लोगों ने देखा होगा पिछले वाले व्लॉग में। तो अभी यहाँ से क्या कर रहे हैं, यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं वलोंग के लिए। तो डिस्टेंस इज समवेयर अराउंड 350 किलोमीटर्स। तो अभी देखते हैं कितना कवर कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग कुछ लोगों को थोड़ा सा फैटिक हो गया, तो वो अभी होटल में ही रुक रहे हैं, और बाकी हम लोग जो हैवी राइडर्स हैं हम लोग आगे जा रहे हैं। तो स्टे ट्यून्ड। एंड अभी यहाँ से निकलते हैं, देन आज हम लोग कवर करने वाले हैं एक सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है, यहाँ से अराउंड 30-40 किलोमीटर्स का है। तो जाके देखते हैं कैसा है, अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा होप। और अपना सामान वामान तो सारा बन चुका है, ऐसे मैं जनरली कैरी कर रहा हूँ, वैसे तो ऑप्शन था यहाँ पे सामान रखने का, क्योंकि रूम ऑलरेडी रिटेन कर रहे हैं, बट देन अगेन स्वैप करना सामान तो मुश्किल हो जाता है। अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं दिवाकर के घर में, एंड दिवाकर बेसिकली यहाँ तिनसुकिया से ही हैं, और वहाँ पे उनके मम्मी ने थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह रेडी करके रखा हुआ है। वैसे तो हम लोग काफ़ी सुबह, मतलब यहाँ पे एक्चुअली देखो सूरज कितना ऊपर है, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे कि 12 बजने वाला है, बट अभी टाइम हो रहा है 8 o'clock। तो देखो मतलब कहाँ पर सूरज पहुँचा हुआ है। तो सीन आज का कुछ ऐसे ही रहेगा, हम लोग ट्राई तो करेंगे वलोंग तक खींचने का, मतलब वलोंग तक कवर करने का, बट डिस्टेंस 350 किलोमीटर्स है, अगेन वही फैटिक वाला सीन हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से देखेंगे जितना दूर जा सकते हैं जाएंगे, वहाँ तो उनके घर पे पहुँचते हैं, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करते हैं, देन उसके बाद में अपनी राइड करते हैं कंटिन्यू। बने रहिए साथ में, आज मज़ा आने वाला है आज वाली राइड पर भी। और पिछले वाले ब्लॉग्स अगर नहीं देखें तो इसे आई नोटिफिकेशन से जाके ज़रूर देख लेना। सो गाइज, अभी फ्रेंड के यहाँ गए थे एंड खाए पिए, ब्रेकफास्ट किए, 10:17 हो चुका है। एंड धूप भाई साहब कितनी ज़बरदस्त धूप है। जो हाईवे है वो ज्वाइन कर चुके हैं, एंड इधर से हम लोगों का बेसिकली जो डिस्टेंस है दैट इज़ अराउंड 320 किलोमीटर्स। तो हम लोग यहाँ देखो, यहाँ पे पूरा ही टी का जो है खेती करते हैं यहाँ पे बहुत सारा, मतलब कल भी हम लोग रास्ते से आ रहे थे तो भी ये टी का पूरा प्लांटेशन था, बट सही लगता है बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट वाला, मज़ा आ जाता है, बट मज़ा आने वाला है यार। और यहाँ देखो ये पूरा ना जो रेलवे ट्रैक है रोड के साथ साथ में चल रहा है, और यहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे तो वो एक ब्रिज पड़ता है, मतलब ब्रह्मपुत्र रिवर पे, वो सबसे बड़ा ब्रिज है, एंड वो कुछ है 9 किलोमीटर्स के ऊपर का। तो क्या मस्त वाला लगेगा सोच रहे हो, मतलब बहुत सही। उस चक्कर में हम लोग यहाँ तक आए हैं, वरना बीच में ऐसा उनका तो पूरा हाईवे रन था, कल वाले में तो लग गई थी, पहुँचते पहुँचते काफ़ी टाइम हो गया था, हम लोग 9 बजे पहुँचे रात में। एनीवेज चलता है, कभी कभी राइड हेक्टिक हो जाती है एंड बॉडी फैटिक हो जाता है, मतलब जब ज़्यादा ऐसा ऑफ रोडिंग वाला राइड करो ना तो वो सीन रहता है। देखो गाइस, तो यहाँ से भूपेन हजारिका सेतु, ये है यहाँ से 7.3 किलोमीटर। तो वो जो रास्ता है, जो ब्रिज है ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर से, दैट इज़ भूपेन हजारिका सेतु, और पूरा 9 किलोमीटर्स के ऊपर का, 9.2 किलोमीटर्स आई थिंक कुछ डिस्टेंस है, अगर कहीं बोर्ड पे लिखा रहा तो ज़रूर बताऊंगा। 7.3 किलोमीटर है क्या, बहुत ही अमेजिंग रास्ता है। अभी थोड़ा सा रोड जाके सही हुआ है, क्योंकि टूवर्ड्स तिनसुकिया, मतलब हम लोग वहाँ से निकले जब, तो ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर का तो हम लोगों को भाई बहुत ख़राब रास्ता मिला है, और ऊपर से पूरा ट्रैफिक हर जगह, छोटा छोटा कोई ना कोई गांव रहता है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मतलब ख़राब हो जाता है यार। और ऊपर से कल भी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा लंबा राइड किया है, और वो भी मतलब किलोमीटर्स वैसे ज़्यादा नहीं था, 359 किलोमीटर्स कुछ था, बट ऐसा हो गया कि 150 किलोमीटर्स पूरा ऑफ रोडिंग, फिर उसके बाद में थोड़ा सा बीच में 100 किलोमीटर्स का पैच सही मिला, फिर उसके बाद थोड़ा फिर से ऑफ रोडिंग मिल गया, तो वो सीन की वजह से हम लोगों का थोड़ा सा हालत टाइट हो गई। एंड ऊपर से हम लोगों को आज सुबह भी जल्दी निकलने का प्लान था, बट तब भी 10:30 तो बज ही गया,
एनीवेज क्या कर सकते हैं, आज जाके थोड़ा सा पेन किलर खा लेंगे, सही हो जाएंगे भाई। यही सब छोटी मोटी चीज़ें रहती हैं, थोड़ा सा राइड के टाइम पे लगती है। बट लुक एट द व्यू यार, मतलब यहाँ पे पूरा टी प्लांटेशन है, मस्त एकदम हो रखा है इधर लेफ्ट राइट हर जगह। अभी थोड़ा सा ना पूरा चुस्ती आ गई बॉडी में, क्योंकि अभी रोड अच्छा हो गया। ऐसा रोड बंदा बंदा मिलता ना, वैसे भी इन सब बाइक्स में ना स्लो चलाने में ना मज़ा नहीं आता है। सो गाइस, हम लोग एंटर कर रहे हैं अभी भूपेन हजारिका सेतु, जो कि है ब्रह्मपुत्र रिवर पे। ये भी मेटियोर वाला है क्या? नहीं, ये तो कोई और सी बाइक थी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। वो पूरा उधर से घूम के आया ब्रिज, मस्त एकदम। ओए होए क्या रोड है भाई। एक्चुअली उधर वाला कल जिस हाईवे से आए थे ना हम लोग, वो वाला भी रोड अच्छा था, बहुत ही बढ़िया। इतने पिलर्स इस ब्रिज पे हैं, ये है 170, ऐसे करके एंड वाला पिलर नंबर आपको दिखाते हैं कितने पिलर्स हैं इस ब्रिज पे। माय गॉड, 173 हो चुका है अभी, 174, अभी थोड़ा सा ही आगे और रह गया, उतने टोटल पिलर हैं। एक्चुअली यहाँ पे रिवर का ये सीन है, इतना बड़ा इसलिए ब्रिज बनाया गया है क्योंकि जिस टाइम पे भी जब से बारिश होती है तो उसी हिसाब से ना ये डायरेक्शन चेंज कर जाती है नदी अपना। और दिस इज़ नॉट नदी, एक्चुअली मेल वर्जन है, नद कहते हैं इसको। दिस इज़ 181 182 एंड द लास्ट 182, ओके 182 पिलर्स हैं भाई साहब एक ब्रिज के ऊपर। मतलब एक ब्रिज के, एक ब्रिज को बनाने के लिए 182 पिलर्स लगे। आई होप आप लोगों को ड्रोन शॉट पसंद आए होंगे, बहुत ही ब्यूटीफुल सा मतलब नज़ारा था। ज़्यादा हम लोग बीच में खड़े होके नहीं उड़ा पाए क्योंकि उसके उस साइड उस पार में चेक पोस्ट था एंड बीच में रुकने का वैसे बोला भी नहीं गया है, बीच में नहीं रुक सकते, इसलिए थोड़ा सा आगे आके ड्रोन शॉट निकाले, कुछ राइडर्स को पीछे भेज दिया। सो गाइस, अभी हम लोग ना अरुणाचल प्रदेश एंटर करने वाले हैं। बेसिकली यहाँ से हम लोग जैसे अप्तियाहम जाएंगे, अप्तियाहम से हम लोगों को परमिट बनवाना है, परमिट बनवा के देन एंटर करेंगे। देखेंगे अगर पिछला जो परमिट बनवाया था अगर वही चल गया तो अच्छी बात है, क्योंकि 7 डेज हम लोगों को हुआ नहीं है अभी। देन उसके बाद में हम लोग जैसे ही अरुणाचल एंटर कर जाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा मस्त एकदम पहाड़ी वाला रास्ता। होपफुली रोड अच्छा रहेगा क्योंकि BRO मेंटेन करता है अरुणाचल में रोड्स, एंड हम लोगों को ज़्यादा टाइम तो नहीं लगना चाहिए क्योंकि बट बहुत ही अमेजिंग सा रास्ता बड़ा पूरा फॉरेस्ट से होते हुए जा रहा है। मज़ा, ऐसा रास्ते में मज़ा आता है। देखो हाईवे रन में ना बिल्कुल फील नहीं आती है, यहाँ पे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा नेचर में आए हैं, खुले में राइड करने को मिल रहा है। आसपास देखो उधर साइड में कहीं पहाड़ी दिख रही है, वो देखो ऊपर साइड में भी।
अरुणाचल प्रदेश का जो दूसरा ईस्ट वाला विलेज है हम लोग कवर करके आ चुके हैं फाइनली। जस्ट किडिंग भाई लोग, अपना हो गया सीन। एक्चुअली हम लोग गए यहाँ से, यहाँ से हम लोग गए अपटी ओहम। यहाँ पे जो परमिट बनाते हैं, मतलब एक्चुअली वहाँ से बॉर्डर है बेसिकली, वो परमिट नहीं बनाते हैं। उन्होंने बोला दिराक जाओ, दिराक में जाके परमिट बनवाओ। और अगेन वो हम लोग 90 किलोमीटर्स आ चुके हैं, फिर हमें 60 किलोमीटर का दोबारा से जाना है, 60 किलोमीटर दोबारा वापस जाना पड़ेगा एंड वहाँ से जाके परमिट बनाना पड़ेगा, दूसरा डाइवर्जन लेके वहाँ पे एक और जगह दिराक करके पड़ता है वहाँ से। तो सीन अभी कुछ ऐसा है। वैसे भी सबको बॉडी फटीक लग रहा है यार, मतलब हम लोग ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा टायर्ड हैं। व्लॉग बन रहा है, बस बन रहा है, कुछ नहीं कह सकते। तो अभी सीन कुछ ऐसा है, वी आर हेडिंग बैक टू तिनसुकिया एंड वहाँ से हम लोग ट्राई करेंगे, अगर मजौली हुआ तो मजौली जाएंगे, नहीं तो अदरवाइज़ काजीरंगा तो पक्का है। हम लोग वो एलिफेंट सफारी करनी है या फिर जीप से हम लोग जाएंगे तो मज़ा आएगा। एनीवेज इसी के साथ आज का ब्लॉग करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय।